हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज स्टूडियो में मैं आपको लेकर वीडियो को फिर से लेकर आ गया हूँ। गाइस, आज स्टूडियो में हम ये जानेंगे कि आप कैसे टिकटॉक पर ये हार्ट पार्टिकल वाली वीडियो बना सकते हैं और ये अभी न्यू ट्रेंडिंग में है, तो आपको भी यहाँ पे इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए ताकि आपकी वीडियो यहाँ पे वायरल हो सके। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, यहाँ पे आपको इस तरह के नाम वाले वीडियो जरूर बनानी चाहिए। तो इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपको सिंपली से अपने गाइडेंस टैब को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से प्लस आइकन पर टैप करना है और आपको यहाँ पे ये वाला रेशो सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे मीडिया वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कोई भी एक बैकग्राउंड को आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ से बैकग्राउंड वाले पे क्लिक करके यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने फाइल में से भी कोई एक बैकग्राउंड ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करके कोई भी एक बैकग्राउंड अभी के लिए मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया। अब आपको यहाँ पर इस वाले लेयर को उतना बड़ा कर देना है जितने सेकंड की आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। इस वाले बैकग्राउंड को लेकर आने के बाद आपको यहाँ पे एक वीडियो को यहाँ पे लेकर आना होगा, यानी आप जिस नाम से भी आप यहाँ पे वीडियो को बनाना चाहते हैं आपको यहाँ पे उस लेटर को यहाँ पे लेकर आना होगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रखा है। जब आप उस वीडियो को वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको ए से लेकर जेड तक सारी लेटर आपको मिल जाएगी। तो आप उस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे लेयर वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से मीडिया में जाकर यहाँ पर आपको उस वीडियो को लेकर आ जाना है। इस वीडियो को लेकर आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे आपको जो ये वीडियो है ये ए से लेकर जेड तक आपके सारे नाम इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी चाहिए इसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बी वाले नाम से बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे बी वाला जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले आपको वहाँ पर आ जाना है। जैसे बी वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए हमें लेफ्ट वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आपको हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पर जो कैंची निशान दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट कर देना है। तो इस तरीके से ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारा हट जाता है। अब आप यहाँ पे इस वाले लेयर को आपको 4.5 सेकंड से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये वाला जो आपका लेयर है इसको आपको वहीं तक बराबर कर लेना है जहाँ ये बी वाला लेटर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब इसके बाद आपको इसी लेयर पर क्लिक करना है और नीचे आपको क्रोमा की मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। और ध्यान में रखना है की कलर में यहाँ पर आपको ग्रीन कलर ही सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर इस वाले लेयर को आप बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से, यानी आप जितना भी बड़ा लेटर आप दिखाना चाहते हैं वीडियो में उतना बड़ा इसे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इस वाले लेयर पे क्लिक करके इसका साउंड यहाँ से बंद कर देना है, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इसका वॉल्यूम म्यूट कर देना है। अब मुझे यहाँ पे एक और वीडियो को यहाँ पे लेकर आना होगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इस वीडियो को एक्सपोर्ट करूँगा क्योंकि मेरे जो कैमरा सिस्टम है एक से ज़्यादा वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं करता। तो चलिए यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस वीडियो को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो आपको फिर से एक नया प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन करना होगा। आपको प्लस वाला आइकन पर टैप करना है और आपको यहाँ पे यही वाला रेशो सेलेक्ट करके आपको एक नया प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन कर लेना है। जब आप इस तरह से ये वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिर से मीडिया वाले पे क्लिक करना है और आपने जो भी वीडियो एक्सपोर्ट करा था सबसे पहले उसी वीडियो को यहाँ पर लेकर आ जाना है। जब आप इस तरीके से यहाँ पर वीडियो को लेकर आते हैं तो अभी देख लीजिए कुछ इस तरीके से हमारे वीडियो है। अभी इसके आगे हमें यहाँ पर जो हार्ट वाला आपका वीडियो है वो लगाना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर मैंने एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया हार्ट वाला, आप उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप वहाँ से आप डाउनलोड कर लेते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पे लेयर वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से मीडिया में जाकर यहाँ पर आपको उस वीडियो को लेकर आ जाना है। अब इसके बाद फिर से आपको इसी लेयर पर क्लिक करके नीचे आपको जाना है क्रोमा की में और उसके बाद आपको यहाँ पर इनेबल करके और की कलर में ध्यान रखना है ग्रीन कलर ही सिलेक्ट होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर ये जो हार्ट वाला वीडियो है आपको यहाँ पर इस लेयर पर क्लिक करना है और इस लेयर को आपको वहीं पर आपको रखना है, यानी ये जो हार्ट वाला वीडियो है आपको इसे वहीं उसी पोजिशन पर रखना है जहाँ से आपने लेटर वाला वीडियो स्टार्ट करा था। तो मैंने यहाँ पे बीच में रखा था इसलिए मैं यहाँ पे इसे बीच में कर देता हूँ और इसे अगर आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ से वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप वीडियो को देख सकते हैं किस तरीके से हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से यहाँ पर बन गई है। अब आपको इस वीडियो में साउंड को भी ऐड करना होगा तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि आप किस तरीके से यहाँ पर साउंड को ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अब अपने वीडियो को यहाँ पे साउंड के साथ अपलोड करने के लिए सबसे पहले टिकटॉक के उस वीडियो को आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसके अंदर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको चलिए मैं यहाँ पे एक वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ, आप चाहते हैं इसके अंदर भी अपलोड कर सकते हैं या फिर जो अभी न्यू ट्रेंड में जो भी साउंड चल रहे उसमें भी आप जाकर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साउंड वाले पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूज दिस साउंड पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपका कैमरा यहाँ से ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपलोड वाले पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने अभी कैमरा से एक्सपोर्ट करा था। इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको वीडियो में यहाँ पे साउंड ऐड हो गया है। अब आप चाहे तो यहाँ पे इफेक्ट्स को भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, आपको इफेक्ट्स वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको गोल्ड पाउडर वाले इफेक्ट्स आप दे सकते हैं इसके अंदर, इससे आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की दिखेगी। और चाहे तो आप यहाँ पर बटरफ्लाई वाला भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला इफेक्ट्स देने के बाद आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपने वीडियो को यहाँ से आपको पोस्ट करना है। तो बस सर आज की वीडियो बस ये बताना था, आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बस। थैंक यू।